हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट को सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। रंजना, मैं बहुत अच्छी हूँ। बच्चे, आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे ये मुझे पता है, और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से आज की क्लास के लिए जुड़ जाइए। आज की क्लास के लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, ताकि आपके सारे फ्रेंड आज की क्लास का बेनिफिट ले सकें। अनंता हलो, हार्दिक पटेल हलो, सुब्राशीष गांगुली हलो, सभी स्टूडेंट्स को हाय हलो, वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ, आज की क्लास के लिंक को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो भाई, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी मैम एक बार फिर से एक और मैराथन क्लास ले आओ, मॉक टेस्ट पूरा ले आओ। और मैं आप लोगों की डिमांड पर ही लेकर आई हूँ एक बार फिर 2 आवर्स की क्लास और पूरा मॉक टेस्ट एक साथ। क्यों? क्योंकि कल काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आज एक टेस्ट ले लेंगे, पता भी लग जाएगा रीजनिंग में एक्यूरेसी क्या चल रही है। राजदीप दास हेलो, राजदीप जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट मेरी क्लास में नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बता देती हूँ, रीजनिंग की क्लास डेली होती है 3:30 PM एंड 6 PM पे। माय नेम इज हीना शर्मा। अब सबसे पहला स्टेप, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है उन्हें क्या करना है, अगर वो चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना और अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो भी देखना, तो आप बच्चे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, सिलेक्ट योर गोल, गोल सिलेक्ट कर लेना आप लोग। बैंक एग्जाम का गोल सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन होके आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। एक बार मैं पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ भाई, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा हमें, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएंगी फैसिलिटीज, क्या क्या प्लस पॉइंट मिलते हैं अनअकैडमी पर आप लोगों को ज्वाइन करने के। राजदीप आपका कल फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिल्कुल बताऊंगी, टेंशन मत लो। 6 PM पे आप लोगों को मैं एग्जाम्स के बारे में ही बताऊंगी, कैसे कैसे आपको क्या सब्जेक्ट पहले करना है, क्या नहीं करना, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा नहीं करना, टेंशन मत लो, 6 PM का वेट करो। तो अनअकैडमी जितने भी आपको फैसिलिटी देता है, प्लस पॉइंट देता है, ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते। बात आती है सब्सक्रिप्शन की फीस की, कि मैम सब्सक्रिप्शन की फीस क्या होगी। स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन की फीस मंथ वाइज आपके सामने लिखी हुई है। मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही दूंगी, आप सब कोशिश यही करना कि 12 मंथ से कम का तो ज्वाइन ना ही करो। 12 मंथ की फीस है 6000, लेकिन अगर आप यूज कर लेंगे मेरा रेफरेंस कोड HSLIVE, कैपिटल लेटर्स में यूज करना, H फॉर हीना, S फॉर शर्मा, LIVE, HSLIVE कैपिटल लेटर्स, और अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही आपके पास आएगा ओसम रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, और फीस हो जाएगी 5400 ओनली। लेकिन ये कब होगी, मेरा रेफरेंस कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। टी सांबा साई, वेरी गुड आफ्टरनून। अंकुश, सेम टू यू बच्चे। अनंता बच्चे, अभी बात करूंगी 2 मिनट के बाद, सिर्फ ये बच्चों को समझा दूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो 24 मंथ्स का भी सिलेक्ट कर सकता है। 24 मंथ्स की फीस है 7800, लेकिन मेरा रेफरेंस कोड एक बार फिर से अप्लाई कर दोगे HSLIVE, तो आपकी फीस हो जाएगी 7020, 7020 रुपये भाई, 7020 रुपीज। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 1 ईयर का लोगे तो आपको 450 रुपीज पर मंथ पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 24 मंथ्स का अगर कोई स्टूडेंट लेगा तो उसको फीस पड़ेगी 293 रुपीज पर मंथ, ठीक है। प्रियंका चौधरी, वेरी गुड आफ्टरनून। मिराज आलम, आपका एग्जाम 29 का, ओके। अनंता बच्चे, मूड ऑफ क्यों किया हुआ है, मुझे लग रहा है अनंता आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, फिर से वही मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए होंगे, इसलिए फिर से आप डीमोटिवेट हो चुके हो। बच्चे डीमोटिवेट नहीं होना, मूड ऑफ नहीं करना भाई, टेंशन मत लो। कल एग्जाम जिसका भी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, टेंशन मत लो, बिंदास होके पढ़ो भाई जल्दी से। चलो अनंता, टेंशन मत लो, मूड को अच्छा कर लो, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करना है आज सबको। आज हम करेंगे 2 आवर्स की क्लास में मॉक टेस्ट 6।
कल काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम है और आप लोगों की डिमांड पर ही लेकर आई हूं मैं आज का मॉक टेस्ट 6 भाई। तो जल्दी से आज की क्लास के लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जुड़ेंगे, उतना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उतना आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा और मजा आएगा भाई। तो क्या आप सभी रेडी हैं आज की क्लास मॉक टेस्ट 6 के लिए? प्लस और माइनस मार्क्स होंगे, पहले बता रही हूं। ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा ए बी सी डी ई। चलिए ललित मिश्रा, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा अनंता, अनंता टेंशन मत लो बच्चे, मांगती हूं मैं मम्मी हॉस्पिटल में, टेंशन होगी, मम्मी का ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है? अगर आपको अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप घर पे फैमिली को ध्यान दो, क्लास को रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो क्योंकि फैमिली पहले है क्लास से। बाकी अगर लग रहा है कि सब कुछ ओके है, क्लास अटेंड कर सकते हो, तो अच्छे से दिल खोल के परफॉर्म करो, अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं आज की क्लास के लिए? फटाफट से यस मैम और थम भेज दो ताकि आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर दें। मधु वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, बच्चे कह रहे हैं यस मैम वी आर रेडी। अगर आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 6। परफॉर्म अच्छा करना, विनर हम देखेंगे आज की क्लास का कौन होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, लेट्स क्रैक इट। मिराज आलम, आप शायद फर्स्ट टाइम आए हो मेरी क्लास में, इसीलिए रीजनिंग को लेके टेंशन में हो। आप अगर डेली मेरी क्लास में आए होते, अभी खुद बोलते कि मैम रीजनिंग को लेके तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने आरबीआई एसबीआई के 500 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई आरबीआई के एग्जाम से पहले, फिर आरबीआई के मॉक किए हमने, अब एसबीआई के मॉक्स कर रहे हैं। 5 मॉक हो चुके हैं, 6 मॉक कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरी क्लास में, फटाफट से नंबर नोट कर लो ताकि व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी और डेली क्लास का आपको पता लगता रहेगा कि क्लास हमारी कब कब होती है। सबसे पहली चीज आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या स्किप करोगे भाई। आप ये मान लो आपका एग्जाम है या फिर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो आप लोग मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में आप लोगों पे डिपेंड करेगा। पहला क्वेश्चन देखा, सिटिंग का आ गया, आपकी मर्जी है सॉल्व या स्किप, बता देना जैसा भी करना हो। चलिए भाई फटाफट से करिए क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हो तो। अंकुश कह रहे हैं स्किप, पहले स्किप बाद में करेंगे सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, वेरी गुड, गुड डिसीजन भाई, ये डिसीजन बहुत अच्छा है। पहले स्किप कर देना चाहिए सिटिंग और पजल को, पहले छोटे छोटे से जितने क्वेश्चन हो वो कर लिया करो हमेशा। चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आरबीआई के एग्जाम में भी आया था, एसबीआई के एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। पब्लिकेशन एक वर्ड दे दिया, कहा कि इसके बीच में ऐसे कितने पेयर हैं जिसके बीच में उतने ही अल्फाबेट का गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है। हेलो दीपू कुमार, जल्दी से अब क्वेश्चन का आंसर दो भाई, सेकेंड्स के अंदर आप लोगों को टाइम मिलेगा, सेकेंड्स के अंदर आप लोगों को आंसर देना होगा, तो जल्दी से बता दो, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। सॉरी। चलो भाई काउंट कर लेते हैं। सबसे पहला पेयर जो मुझे शो हो रहा है देखते ही, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करना है, पहला तो मुझे एन ओ दिख गया, फर्स्ट पेयर, और पेयर देख लेते हैं। चेक करो क्या कोई और पेयर बन रहा है। अनंता, सुब्राशीष गांगुली, संपदा, रंजना, अंकुश, संतोषी, गगनदीप, जल्दी से बताइए। संपदा ने बी आंसर कहा, संपदा सेकंड पेयर कौन सा बन रहा है एक बार जल्दी से मुझे चेक करके बता दो। नवजोत आशु 1 कह रहे हैं, कुमार दीपू 1, सीतू 1 कह रहे हैं, संपदा ने बी कहा है। संपदा सेकंड पेयर जल्दी से लिख दो मुझे अल्फाबेट ताकि पता लग जाए आपने सेकंड पेयर कौन सा काउंट किया है। सुब्राशीष गांगुली ने 1 कहा, अंकुश ने भी 1 कह दिया, संतोषी ने भी 1 कह दिया, चांदनी तनेजा भी 1 कह रही है, 1 कह रही है। तो भाई एक या तो 1 अगर आप कह रहे हो तो फर्स्ट तो यही बन जाएगा,
तो इसका मतलब हम नेगेटिव मार्किंग किसकी कर लें, संपदा की कर लें, एस और बी, एस और बी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं बनेगा, एस बी भाई एक ही पेयर बनेगा। संपदा का रोंग हो चुका है और एक स्टूडेंट अभिजीत का भी रोंग हो चुका है, ठीक है। तो जिसका भी वन पेयर बना है प्लस वन कर लीजिए, टू पेयर वाले नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए। तो अगर छोटे से क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग करवा रहे हो तो आगे अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, तो भाई ध्यान दिया करो छोटे छोटे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अल्फाबेटिकल सीरीज, जल्दी से अल्फाबेटिकल सीरीज को देखकर इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोव्ड बाय अ वॉवल, जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक वॉवल है। तो बताओ जल्दी से काउंट करके कि हमारे पास ऐसे कितने कॉन्सोनेंट आएंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं, मैं भी चेक कर लेती हूं ताकि मुझे पता लग जाए। एक पेयर दिख चुका है मुझे, वेरी गुड, मेरा तो आंसर आ चुका है भाई, मैं खुद के लिए बोल रही हूं। सुब्राशीष गांगुली कह रहे हैं सी, अमीर बानू सी, गगनदीप सी, कुमार दीपू सी, बाकी सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी। कॉन्सोनेंट लीजिए पहला पेयर, पहले और बाद में हमारे पास है वॉवल्स। सेकेंड मुझे ये दिख गया, ठीक है। थर्ड 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 हमारा कौन सा आ रहा है, सी पेयर। थर्ड पेयर चेक कर लेते हैं हम, थर्ड पेयर कौन सा बन रहा है भाई हमारा, चेक करके बताओ तीसरा पेयर कौन सा बनेगा। ओ पी एस क्यू ए टी एक्स एच पी यू वी आई एम ओ, वेरी गुड, ये लीजिए एक पेयर ये बन गया। तो जिसका भी सी आंसर था बिल्कुल सही है। अभी तक किस किस बच्चे का नेगेटिव मार्किंग हो गया आप सब भी चेक करते रहना, आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि इतने सारे बच्चों के नाम मैं याद नहीं रख पाऊंगी, आप लोग कर लेना साथ साथ। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर थ्री पेयर बिल्कुल सही था। भाई जल्दी से आज की क्लास के लिंक को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, आप लोगों की डिमांड पर ही लेकर आई हूं मॉक टेस्ट 6 का पूरा मैराथन क्लास। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म विद द अल्फाबेट विच आर फोर्थ, लेफ्ट हैंड से फोर, फिफ्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला, तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है इंग्लिश की वोकैब पे। इंग्लिश की वोकैब किसी की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मीनिंगफुल वर्ड में कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे और नेगेटिव मार्किंग करवा जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग करवाने से अच्छा है कि क्या करना, स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाना। लेकिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं ए। चलो भाई काउंट कर लेते हैं, हमारे पास है बच्चे कह रहे हैं वन पेयर, हर्ष ने कहा टू पेयर। देखो भाई सबसे पहली चीज, पहला बन रहा है हमारे पास ओपन, फर्स्ट पेयर ओपन हो गया। अब कुछ बच्चों ने दो पेयर भी कहा है, आ पियन, ये भी तो बन रहा है भाई, पियन भी बन गया। सुब्राशीष गांगुली नोप का मीनिंग क्या होता है, नोप का मीनिंग चेक करके देख लेना, शायद डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता। नप तो हम बोलते हैं, डिक्शनरी में कोई मीनिंग होता है, नोप इज नॉट अ वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं होता भाई। गगनदीप आंसर तो ठीक है थ्री पेयर, लेकिन नोप ना बने, नहीं बनेगा, ठीक है। नोप मीन्स नो, डिक्शनरी में नोप का मीनिंग नहीं होता, ये तो हम लोग यूज करते हैं यप नप, ये हमारा है, डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आप में से काफी बच्चों ने पहले वन आंसर दिया था, जिसने वन आंसर दिया था नेगेटिव मार्किंग कर लो और आंसर आ जाएगा थ्री, तो थ्री पे हम क्लिक कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को स्किप जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग फिर भी लिख लो कि क्या है। नेगेटिव मार्किंग कर लेना, ठीक है। देखो थ्री पेयर बने, हो सकता है आपका तीसरा पेयर कुछ और हो, मेरा कुछ और हो सकता है,
अगर हमारे पेयर का आंसर सही आ गया तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर डिक्शनरी में है तो फिर चार हो जाएगा। सुप्राशीष, आपको मैं एडवाइस यही दूंगी, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने जाऊंगी तो मैं मीनिंगफुल वर्ड को स्किप कर दूंगी बिना सोचे समझे। हेलो रॉकस्टार, सुप्राशीष गांगुली और सभी बच्चे कोशिश करना उस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आए तो स्किप करना है, सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सुप्राशीष गांगुली कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर सी। वेरी गुड भाई, अभी काउंट कर लेते हैं, सी आंसर इज द राइट और रॉन्ग। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीजनिंग की क्लास डेली होती है 3:30 PM एंड 6 PM पे, आप डेली मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं PDF को पाने के लिए, रीजनिंग बाय हीना शर्मा सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। हेलो संतोष पंडित, लेट हो भाई। बच्चे आंसर कह रहे हैं 9th का सी। क्वेश्चन में कहा था हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द सीरीज ऑफ अल्फाबेट गिवन इन बोल्ड। बोल्ड में तो यही है। अब इसके बीच में ऐसे कितने पेयर बनेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिसके बीच में उतने ही अल्फाबेट का गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। पहला मुझे दिख गया UV, फर्स्ट पेयर तो मुझे ये दिख गया। बच्चों ने आंसर कहा सी, ओके। फिर हमारे पास बच्चे OP काउंट नहीं करना सीतु, सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स में है सिर्फ वहीं से आपको पेयर बनाना है, सिर्फ वहीं से बनाना है। तो और क्या बनेगा हमारे पास, ABCDEFGH नहीं बन रहा, TUVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है भाई। और पेयर जल्दी से चेक करके बताओ क्या बनेगा। UV बन गया, UX, UVWX, दो पेयर तो ये बन गए भाई। PQRST 3 पेयर, टोटल पेयर हमारे पास बने हैं 3। तो 3 के लिए आंसर आप लोगों ने कहा था सी, सी इज द राइट आंसर। सीतू ने गलत कर लिया, लेकिन गलती में भी इन्होंने एक चीज क्या की, ऑप्शन सही बोल दिया 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे दो। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम बच्चों के नेगेटिव मार्किंग हुई है, फटाफट से चेक करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, अगर इस अरेंजमेंट में से सारे वॉवल्स को हटा दिया जाए, भाई काउंट ही मत करना, विल बी 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से आपको 11th काउंट करना है, ऑप्शन बोलोगे। सुब्राशीष गांगुली और सभी बच्चों ने कहा बी आंसर एन। सभी स्टूडेंट्स को पता है बैंकिंग के स्टूडेंट्स को बैंक का एग्जाम देना है, PO क्लर्क कोई भी हो, SO हो, तो रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है। चलिए भाई आंसर काउंट कर लेते हैं, राइट साइड से 11 और काउंट नहीं करना वॉवल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, O को काउंट नहीं करेंगे, 10, 11, N इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए भाई प्लस वन कर लीजिए उस मार्क्स के, उस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो और बताओ कि मैम इसका ऑप्शन हमारा ये आएगा। काफी सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई लाइक कर दो, एक थम ही तो देना है, इतना तो बनता है भाई, आप लोगों की डिमांड पर ही तो मौके आते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। 11th का आंसर सुब्राशीष गांगुली और सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी। काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट राइट सभी को पता है माइनस होगा, 7th और क्या दिया हुआ है हमारे पास, 6th दिया हुआ है, 7th एलिमेंट और 6th एलिमेंट। राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, तो हमारे पास है क्या, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 प्लस 7 13,
13 काउंट करेंगे हम लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ए आंसर इज द राइट आंसर भाई. चांदनी ने ई कहा था. चांदनी आपका नेगेटिव मार्किंग हो चुके हैं, तो आंसर ए आएगा. हम ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर. ठीक है हर्षवर्धन सिंह, थैंक यू. मैडम से ध्यान हटा के क्वेश्चन पे लगा लो, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं भाई. ठीक है वैसे थैंक यू, मजाक कर रही हूं. अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो. हेलो ध्रुव सोनी, काफी सारे बच्चे लेट जुड़े हैं हमारी क्लास में. ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आज आए हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? अभिजीत भी हंस रहे हैं. अभिजीत हंसना कम कर दो भाई, मजाक किया था क्लास में. किसी का पपलू कभी तो बनेगा ना, कभी भी किसी की बारी आ सकती है. ठीक है हर्ष पहली बार मेरी क्लास में आया. ओके जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं, व्हाट्सएप का नंबर दे रही हूं. व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे विद नेम मैसेज करना, लेकिन अभी मत करना कृपया. इतनी कृपा करना मुझ पे, अभी मैसेज मत करना, आफ्टर क्लास करना. चलिए भाई बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं. बच्चों ने कहा आंसर, स्टूडेंट्स ने हमारे आंसर कहा ऑप्शन आएगा सी. ओके भाई इजी क्वेश्चन था वैसे तो. इतना इजी क्वेश्चन आपको मैं समझाना अगर चाहूं तो बेवकूफी होगी मेरे लिए. क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, इजी क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे. मैच करवा देती हूँ, उसके बाद अगर समझाने की नीड हुई तो मैं समझा दूंगी. व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ सी? सी की पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर. सुमन झा भी फर्स्ट टाइम आई थी. जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़े हैं, आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में वेलकम है और हमेशा के लिए वेलकम है भाई. हमेशा आ सकते हो आप लोग मेरी क्लास में. बच्चे आंसर कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स हमारे, आंसर डी 54 किलोग्राम. टी सांबा साई भी डी कह रहे हैं. सबसे पहले तो ये बताओ कौन स्टूडेंट ऐसा है जो नोट कर रहा है राइट रॉन्ग आंसर, किसके राइट है किसके रॉन्ग है, नोट करते रहना. ठीक है ये लो भाई क्वेश्चन देख लो अभिजीत जल्दी से. जिसका भी आंसर डी था, वेरी गुड स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज द राइट. अब सबसे पहले ये बताओ क्या इस क्वेश्चन को समझाने की नीड है या फिर नहीं? यस और नो में लिख दो, क्वेश्चन को समझाऊं या फिर नहीं. क्योंकि आसान था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं था. क्वेश्चन में हमसे कहा सी इज हैवियर देन ओनली थ्री पीपल. सी जो है सिर्फ ओनली थ्री पीपल से हैवी है, एक दो तीन. ठीक है नेक्स्ट है एस इज हैवियर देन ओनली टी. एस जो है सिर्फ टी से हैवी है, ये लीजिए. ए इज नॉट द हैवीएस्ट. टोटल पर्सन है सिक्स, 1 2 3 4 5 6. अब हमसे कहा ए जो है वो सबसे हैवीएस्ट नहीं है एंड हिज वेट इज 70 किलोग्राम और बी का वेट है 50 किलोग्राम. तो ए का 70 है तो ए आगे आएगा, बी यहां पे 50 आ जाएगा, बचा एक ही पर्सन वी. क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिया. ठीक है वी की हाइट 76 हो जाएगी. यस चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, दो रोंग होंगे चांदनी के. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से. सुमन झा जल्दी से बताओ भाई. सुमन कुमार झा जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सुब्राशीष गांगुली कह रहे हैं 14 का सी. कुछ भी नहीं करना कह रहे हैं. अगर वी का वेट है 89 तो डिफरेंस क्या है वी और बी में? बी का हमारे पास था आई थिंक 50 नहीं था, बी का था हमारे पास 50. यस तो 50 को माइनस कर दिया इसमें से, बस यही तो किया होगा. सी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर.
आप सबको और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है सिलोजिज्म, जो फ्री के मार्क्स देगा बिल्कुल। फ्यू सन आर हॉट, फ्यू, एक मिनट मैं रब कर देती हूं। कभी भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिख लिया करो। ऑल एच आर एफ, नो एफ आर एल। सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं आंसर आइदर, वेरी गुड। रॉक स्टार कह रहे हैं नन, और पंकज निगम कह रहे हैं ऑप्शन सेकंड। हेलो परफेक्ट लर्नर, अभिजीत ने कहा आइदर, रोहित ने कहा आइदर, चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमसे कहा ऑल एल आर सन, ऑल एल आर एस। भाई सिंपल सी बात है, एल और एस के बीच में आप यहां से डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं कह सकते हो, कांट से रोंग। सम एल आर नॉट एस, सम एल आर नॉट एस, कांट से रोंग। तो आइदर केस के लिए आप लोगों को पता है भाई सेकंड फॉलो नहीं आएगा। नवीन सेकंड फॉलो गलत है, नेगेटिव मार्किंग कर लेना। कलावती नेगेटिव मार्किंग कर लेना, नाइदर नहीं आएगा। देखो अगर दोनों गलत हैं तो एलिमेंट सेम चाहिए, एलिमेंट सेम है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, वो भी है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हमारे पास ऑल प्लस सम नोट। तो क्वेश्चन का आंसर है आइदर। जिसने भी ओनली सेकंड लिखा है उसने गलत लिखा है, पैरेलल ही तो है बच्चे। रॉक स्टार आइदर है, देखो यहां भी लाइट पहले है, यहां भी लाइट पहले है, यहां भी सन पहले है, यहां भी सन पहले है। ऑल प्लस सम नोट के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम चाहिए, दोनों सेम दिए हुए हैं। और सेकंड फॉलो जिसने कहा है गलती क्या की है, देख लो, चेक कर लो गलती। आपने देख लिया कि सम सन आर नॉट लाइट, अगर आपसे ये पूछा होता कि सम सन आर नॉट लाइट तो सही हो जाता कि सन का इतना पार्ट लाइट में नहीं जाएगा, लेकिन लाइट का रिलेशन सन से कुछ नहीं कह सकते हो, कांट से रोंग, इसलिए नाइदर नहीं आइदर आएगा। तो जिसका आइदर है प्लस वन कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए, बाकी सब जिसका गलत आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिजीत पैरेलल नहीं है मतलब, मैं समझी नहीं हूं आपका मतलब, पैरेलल नहीं है क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि ऑल प्लस सम नोट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम चाहिए, सेम थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एलिमेंट सेम, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं अभिजीत। अगर किसी स्टूडेंट का सिलॉक्स में बेसिक वीक है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सिलोजिज्म की वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। चलिए सुभ्राशीष गांगुली ने सबसे पहले आंसर दिया 16 का ओनली फर्स्ट फॉलो, नन कार आर स्पोर्टी, नो सी इज एस, फ्यू एस आर बी, ऑल बी आर जी। आई थिंक डायग्राम तो सबका सेम बना होगा। हाँ ऑल प्लस न, अभिजीत अगर ऑल प्लस सम नोट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है तो आपका नाइदर आएगा, लेकिन अभी आइदर था। सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं फर्स्ट फॉलो, क्यों फर्स्ट फॉलो चेक कर लेती हूं मैं। सम बी आर नॉट सी, देखो सबसे पहली बात सम बी आर नॉट सी, बी का इतना पार्ट जो एस में है कंफर्म है, वो कभी भी सी में नहीं जाएगा, इसलिए पहला तो राइट हो गया। सेकंड है सम सी आर नॉट जी, सम सी आर नॉट जी कुछ नहीं कह सकते, कांट से रोंग। तो ओनली फर्स्ट फॉलो जिसका भी है बिल्कुल सही है, प्लस वन मार्क्स कर लीजिए ओनली फर्स्ट फॉलो वाले। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है अभिजीत समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है बच्चे। Only a few fruits are sweet. No sweet are lemon. डायग्राम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, डायग्राम सही बनाना। अगर डायग्राम सही बना तो आंसर सही आएगा भाई, बिल्कुल 100% राइट। बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट्स ने कहा बोथ फॉलो। जितने स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं मैं बता देती हूं 2 आवर्स की क्लास है, पूरा मॉक टेस्ट 6 करवाऊंगी। तो अगर चाहते हो अच्छा परफॉर्म करना कल के एग्जाम में और आगे जो एग्जाम से सब में, तो डेली क्लास अटेंड कर सकते हो। बोथ फॉलो वाले चेक कर लेते हैं। सम ऑरेंज आर नॉट स्वीट,
सम ऑरेंज आर नॉट स्वीट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑरेंज के अंदर ये जो एल है इसका रिलेशन स्वीट से नॉट का है, तो पहला तो राइट हो गया। ऑल फ्रूट कैन बी ऑरेंज, तो सबसे पहली चीज कैन बी, अगर कभी भी दिया हो कैन बी पे हाथ रख के नॉर्मल चेक कर लो। ऑल फ्रूट आर ऑरेंज, कांट से, लेकिन कांट से के साथ पॉसिबिलिटी कैन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बोथ फॉलो इज द राइट आंसर, अभी तक सभी का सही है। उषा सैनी ने आइदर कहा, उषा सैनी नेगेटिव मार्किंग कर लो। बोथ फॉलो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न आ चुका है, एक मिनट का टाइम है, जल्दी से लॉजिक फाइंड कर लो, मैं साइड में हो जाती हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिख जाए। लॉजिक पता करते ही एक बार ये लिख देना, यस मैम डन, जल्दी से लॉजिक फाइंड करो इसका। जिसको लॉजिक मिल जाए लिख देना यस मैम डन, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सबसे पहले लॉजिक फाइंड करके देगा। वेरी गुड अमीर बानो, सबसे पहले सही आंसर दिया आपने, बहुत अच्छे। ऐसे कितने स्टूडेंट है अभी हमारे साथ, 52, 53 स्टूडेंट्स लाइव शो हो रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं, जो अभी मुझे नहीं जानते हैं, मेरे व्हाट्सएप को नंबर को नहीं जानते हो, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जानते हो, मी लिख दो मुझे पता लग जाएगा। अगर मी लिख दोगे मुझे पता लग जाएगा, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन सब कुछ बता दूंगी। चलिए भाई सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं डन, वेरी गुड। चलो जिसका डन हो चुका है अब हम चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ, या एक काम करते हैं अभी लॉजिक नहीं पूछते, मॉक टेस्ट है, लॉजिक नहीं पूछेंगे, ठीक है, सिर्फ मैं आंसर पूछूंगी। जिसको भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है पीडीएफ के लिए, हर जो क्लास के बाद पीडीएफ मिलेंगी, रीजनिंग बाय हीना शर्मा, हीना शर्मा के लिए एच डबल ई लगाना, एच आई मत लगाना, रीजनिंग बाय हीना शर्मा, और व्हाट्सएप का नंबर 9911551914। अगर चाहते हो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना, सिटिंग और पजल को बिल्कुल परफेक्ट वे से करना, तो अनअकैडमी पर मेरा बैच चल रहा है मेंस लेवल का सिटिंग और पजल का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के टाइम कैपिटल लेटर में एच एस लाइव यूज कर लेना। चलिए जिसका क्वेश्चन हो चुका है पहले क्वेश्चंस के आंसर दो, जिसका नहीं हुआ है उसके मार्क्स हम ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, बट वो रेस में पीछे रह जाएंगे और बच्चों से। तो फटाफट से शूश अटैक से बता दीजिए कि व्हाट इज द कोड फॉर कॉलेज, कॉलेज का कोड क्या होगा, जल्दी जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए। कोई बात नहीं सुमन, आपको नहीं मिला लॉजिक, अभी मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब आंसर दे दें हमें। सुब्रशीष गांगुली कह रहे हैं 18 का आंसर सी, ओके। बाकी सभी बच्चे भी जल्दी जल्दी से बताइए गाइस क्या आंसर आएगा। टी सांबा साई सी कह रहे हैं, संपदा ए कह रहे हैं, संपदा अब देख लो मेजोरिटी सी की तरफ है, अब ए आंसर अगर आपका है तो नेगेटिव मार्किंग कर लो, आंसर चेंज नहीं चलेगा संपदा, नेगेटिव मार्किंग कर लो भाई। 19 क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कि 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कोड फॉर स्कोर, स्कोर का कोड क्या होगा, जल्दी से देखो। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज कही थी, कृपया करना क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और अभी से मैसेज आ रहे हैं कि मैम सिलॉक्स की पीडीएफ, सिलॉक्स का लिंक शेयर कर दो। अरे भाई अभी तो क्लास में पढ़ा रही हूं, लिंक शेयर कैसे कर दूं, आफ्टर क्लास करूंगी जिसका भी मैसेज है, ठीक है। चलिए 19 का आंसर बताओ क्या आएगा। परफेक्ट लर्नर ने सबसे पहले कहा डी, सेकंड सुब्राशीष गांगुली, थर्ड है अंकुश, टॉप थ्री स्टूडेंट्स हमारे कह रहे हैं डी, वेरी गुड भाई, सबका डी आया, इसका मतलब किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, फेल्ड का कोड बताना है आपको क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर गए हैं इस क्वेश्चन में, लॉजिक सही फाइंड कर गए हैं। 18 आंसर, परफेक्ट लर्नर, ओसम स्पीड, वेरी गुड। मिराज आलम स्किप नहीं करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। सुब्राशीष गांगुली फर्स्ट, अंकुश सेकंड, संतोषी थर्ड, टॉप थ्री स्टूडेंट सभी आंसर कह रहे हैं सी, वेरी गुड।
तो मैं टॉप थ्री का नाम लिया करूंगी, ठीक है? तो कोशिश करो, अब स्पीड बढ़ानी है, जितना बढ़ा सको स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, पहले सॉल्व करोगे या पहले स्किप कर दें, जल्दी से बताओ। वेलकम परफेक्ट लर्नर, स्किप करें या सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन सारे करोगे या पहले इस क्वेश्चन को करोगे, समझ लो एग्जाम ही दे रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन यही फंस गया आपके पास, पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 स्किप कर दोगे। बहुत अच्छे, तो जितने स्टूडेंट्स डेली मेरी क्लास अटेंड करते हैं सबको पता है कि हीना मैम तो क्वेश्चन स्किप करवाएंगी भाई, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम देने जाऊंगी, अगर आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं यही करती। जब मैं अपना एग्जाम, मैंने क्वालिफाई सभी किए मैंने एग्जाम्स, तो मेरे एग्जाम जो क्वालिफाई हुए हैं वो इसी ट्रिक से हुए हैं भाई, बाकी मेहनत तो है ही है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फ्री के मार्क्स जिसे मैं बोलती हूँ सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, अल्फाबेटिकल सीरीज, 6 टॉपिक, तो ये उन्हीं में से एक है। आंसर अनंता ने कहा सेकंड, शुभम गर्ग ने कहा सेकंड, भाई बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं बहुत जल्दी, वेरी गुड। पहला है आर एफ, देखो सबसे पहली चीज, कोमा से पहले और बाद का एलिमेंट अगर सेम है तो हमें स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है। फर्स्ट है आर एफ, आर से एफ की तरफ जाओगे तो बीच में अपोजिट सिंबल दिख गए, तो सभी को पता है इनइक्वालिटी में अगर कभी भी अपोजिट सिंबल दिख जाए तो नो रिलेशन, रॉन्ग। पी एफ, भाई पी से एफ की तरफ जब जाएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस लेस देन आएगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन सिंह ने थर्ड लिखा था, बच्चे थर्ड का मतलब होता है आइदर, इसमें आइदर कहां से बनेगा, ठीक है? ओनली सेकंड फॉलो, जिसने अभी तक क्लास के लिंक को शेयर और लाइक नहीं किया प्लीज, इतना तो बनता है यार, लाइक तो कर ही दो, एक थंब पे प्रेस करना है और लाइक कर देना है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आएगा, हमारे बच्चे क्या आंसर देंगे। हमारे पास एन के बाद एम है, तो मैं एक काम करूंगी, एन और एम का रिलेशन यहां बना दूंगी, लीजिए ये लीजिए। नाइदर आंसर कह रहे हैं सुब्राशीष गांगुली। एम बी, एम से बी की तरफ जाओगे अपोजिट सिंबल नो रिलेशन रॉन्ग, ए एन अपोजिट सिंबल नो रिलेशन रॉन्ग। बच्चों एग्जाम में कभी भी नन फॉलो तो बहुत कम मिलेगा, आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा इफ ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड ऑप्शन होगा इफ ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड ऑप्शन होगा आइदर, फोर होगा नाइदर, फिफ्थ होगा बोथ फॉलो। नन फॉलो बहुत रेयर चांस में मिलेगा, तो नन फॉलो की जगह क्या करोगे, आंसर आएगा हमारे पास नाइदर। नन फॉलो वाले वैसे तो सही है आपका आंसर, बट एग्जाम में अगर नन फॉलो नहीं मिला तो आपको आइदर या नाइदर चेक करना है, तो नाइदर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, फटाफट से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जिसे स्टेटमेंट सॉल्व करनी नहीं आती है कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये देखना होता है कॉमन एलिमेंट, जैसे कि मैं लिख रही हूं के ग्रेटर एस ग्रेटर आर, तो मुझे कॉमन एलिमेंट वहां पे आर दिख गया, तो मैं यहां पे बना दूंगी आर इज ग्रेटर देन इक्वल एफ लेस देन जी लेस देन ई लेस देन वी, इस तरह से सिंगल स्टेटमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। टी सांबा साई कह रहे हैं बोथ फॉलो, सुब्राशीष कह रहे हैं बोथ फॉलो, पंकज निगम भी कह रहे हैं बोथ फॉलो, टॉप 3 स्टूडेंट। अब कृतिका कह रही है कि वन फॉलो, देख लेते हैं भाई क्या आंसर होगा। पहला है के एफ, के से एफ की तरफ जाओगे फर्स्ट फॉलो इज द राइट आंसर, नेक्स्ट है एफ वी, एफ वी भी राइट आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। जिसका भी एसबीआई का एग्जाम है इवनिंग में 6 PM की क्लास जरूर अटेंड करना, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आप खुद देखना आप लोगों की टेंशन सारी खत्म हो जाएगी 6 PM की क्लास में। कोई भी टॉपिक नहीं करवाऊंगी, टेंशन मत लो, कोई टेस्ट नहीं लूंगी, कोई टॉपिक नहीं करवाऊंगी, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज शाम को आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तो 6 PM पे रेडी रहना। थैंक यू इंदु शर्मा मैम। सुरेश कुमार कह रहे बोथ फॉलो,
यस, अब टॉप थ्री के नाम लूंगी मैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कॉमन एलिमेंट n है, कॉमन एलिमेंट n है, यहां पे m है, यहां पे m है, तो क्या करो, सिंपल सी बात है, इसे कॉमन एलिमेंट को कन्वर्ट कर दो सिंगल स्टेटमेंट में। कुछ भी नहीं करना, सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। रीजन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट की वजह से। तो गलत से अच्छा है कि एक मिनट एक्स्ट्रा ले लो। क्वेश्चन नंबर 29 का स्टूडेंट्स कह रहे हैं आइदर, सुब्राशीष गांगुली, संपदा संतोषी, सभी कह रहे हैं आइदर, कुछ कह रहे हैं बोथ फॉलो, सुमन झा कह रहे हैं। चलो भाई चेक कर लेते हैं, हमारे पास है ZW, Z यहां पे है, W यहां पे है, अपोजिट सिंबल है हमारे पास, नो रिलेशन रोंग। फिर है EW, नो रिलेशन रोंग। अब काफी सारे बच्चे ये कहेंगे, मैम इसमें आपने आइदर कैसे लगा दिया, नाइदर आना चाहिए, एलिमेंट तो सेम है ही नहीं। स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, Z और E में अगर इक्वल है तो बात तो सेम ही रहेगी। जो W है वो Z और E से या तो ग्रेटर है या इक्वल है या स्मॉलर है, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, आइदर, कि या तो फर्स्ट वाला राइट होगा या सेकंड वाला राइट होगा, बट हमें नहीं पता क्या राइट होगा। आइदर आंसर आएगा सुमन झा, नन नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग कर लेना नन वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा। तब तक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टेटमेंट सॉल्व कर देती हूं। लीजिए भाई जल्दी जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। सुमन मंडाल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से स्पीड अपने आप आपकी भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 का सुब्राशीष कह रहे हैं ओनली फर्स्ट, रोहित कह रहे हैं ओनली फर्स्ट, संपदा कह रहे हैं ओनली फर्स्ट, टॉप थ्री स्टूडेंट्स ओनली फर्स्ट वाले आ चुके हैं। दो बच्चे कह रहे हैं नन फॉलो, शायद वो पिछले क्वेश्चन का आंसर कह रहे होंगे, स्पीड धीरे, टू स्लो अगेन की दो। चलो भाई बच्चों ने कहा ओनली फर्स्ट फॉलो, हमारे पास है टी क्यू, टी से क्यू की तरफ आओगे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आओगे, रिवर्स का सिंबल यूज हो जाएगा, वेरी गुड। फिर है पी डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के पास जाना ही नहीं है, बीच में अपोजिट सिंबल, नो रिलेशन रोंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, हमारे पास हो चुका है ओनली फर्स्ट फॉलो। ध्रुव सोनी थैंक यू बच्चे, यू मिस टॉप थ्री नेम्स रॉन्ग। अरे भाई इतने सारे कमेंट जल्दी आ रहे हैं, बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया होगा सुमन, उसकी कोई टेंशन मत लो। सुमन फर्स्ट 30 क्वेश्चन में, ओके सुमन अगर आप फर्स्ट हो, वेरी गुड सुमन, आपने अगर सबसे पहले आंसर दिया, इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर देते रहना। सुमन यही आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी, आप सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी दोगे। चलो भाई अब हमारे पास स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ले आती हूं, हमारे तीन क्वेश्चन सिटिंग और पजल के बचे हैं, अब स्किप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मजबूरी बोल सकते हो, मजबूरी है अब तो हमारी। ध्रुव सोनी कल एग्जाम है SBI का, टेंशन मत लो, 6 PM की क्लास में जरूर आना, आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें बताऊंगी। जिसका भी कल एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे विद नेम मैसेज कर देना कि मैम फर्स्ट शिफ्ट में मेरा कल एग्जाम है, ठीक है, ये काम करना मत भूलना। अभी तक मुझे नहीं लग रहा किसी ने गलत आंसर दिया, आप लोगों के पास कितने मिनट दूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, 4 मिनट्स ले लो भाई, चलो 4 मिनट्स इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से सोल्व करके दो इसको। ध्रुव सोनी अगर बेस क्लियर नहीं होगा, बेस आपने अच्छे से नहीं सीखा होगा, तो सिटिंग और पजल में दिक्कत आएगी। मैंने आपको बताया भी था प्लस बैच में कि पहले आप पिछली क्लासेस को देख लो सिटिंग और पजल की सारी, तब आप आओगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे।
दिया है बहुतों ने, तो संतोषी नोट किसने किया है? नोट करना था ना जिसने गलत आंसर दिए। अब आप लोग यही करोगे आफ्टर क्लास, कमेंट चेक करते रहना किसने गलत आंसर दिया और विनर बता देना मुझे। आकृति व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे, ठीक है? सेकंड शिफ्ट में हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आप लोगों का नेम विद नंबर विद नेम सेव कर लूंगी और कल एग्जाम में, एग्जाम फिनिश होते ही सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा, किए हैं नोट, ओके। यस सुमन झा, 6 PM पे और 3:30 PM पे डेली क्लास होती है। डेली क्लास का अगर आपको पता नहीं लगता तो व्हाट्सएप में ऐड हो जाओ, डेली आपको लिंक मिलते रहेंगे, अपडेट मिलती रहेंगी। नहीं टी सांबा साई, 6 PM पे मैराथन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी एग्जाम से रिलेटेड, कैसे कल एग्जाम अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, एग्जाम से पहले किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए जो कभी भी नहीं भूलनी है, वो चीजें बताऊंगी मैं। अनुराग का डन, सुमन झा का डन, सुब्राशीष गांगुली का डन, और अंकुश का भी डन हो चुका है, वेरी गुड। संपदा का डन, संतोषी का डन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चे। जिसका डन हो चुका है पहले क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगी, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी सभी स्टूडेंट्स के पास 1 मिनट का टाइम और है। अनुराग कुमार, क्योंकि बच्चों का प्री का एग्जाम चल रहा है इसलिए अभी मेंस की क्लास नहीं होती। मेंस की क्लास अगर आपको हाई लेवल की पढ़नी है तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां सभी फैकल्टी के मेंस के बैच भी चल रहे हैं, वहां आप बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हो, यहां हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं भाई। चलिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो चुका है, अब दीजिए क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फटाफट से बताओ शूश अटैक से, कि विच अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन आएंगे? अंजलि गौर, हेलो बच्चे। सुब्राशीष गांगुली कह रहे हैं फर्स्ट का डी ऑप्शन। जल्दी से टॉप 3 स्टूडेंट्स आंसर दो भाई, क्या आएगा? अंकुश डी, संतोषी डी, वेरी गुड। अंकित वर्मा, गगनदीप, संपदा, उसके बाद तो काफी सारे बच्चों ने डी आंसर दे ही दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हु सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम उर्दू, बताओ आंसर क्या आएगा? सुप्रिया कुमारी, पूरा मत लिखो बच्चे, पूरा लिखते हो तो इससे क्या होता है आपका कमेंट औरों से पीछे रह जाता है, सिर्फ ऑप्शन लिख दिया करो ए बी सी डी ई। बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर, लिख देना सेकंड का, बता रहे हो। गगनदीप ने लिखा है बी, गगनदीप इसी क्वेश्चन का आंसर बताया, वेरी गुड। इसका मतलब सबसे पहले थे गगनदीप, देन अंकित, देन डी नाम लिखा हुआ है किसी ने, मुझे नाम नहीं पता, अगर आप नाम बता दोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, बी ऑप्शन। सुब्राशीष इस बार पीछे रह गए भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिस्ट्री से ग्रेजुएटेड कौन है, जल्दी से बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिर्फ ऑप्शन लिखना ए बी सी डी ई, ओके। देवी नाम है आपका, ओके देवी, यूट्यूब पे नाम चेंज कर लेना ताकि कभी भी अगर आप लाइव क्लास में आते हो फैकल्टी को नाम लेने में इजी रहेगा, इससे हमें याद भी रहता है डेली जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कह रहे हैं सी आंसर, गगनदीप ने कहा ए। गगनदीप चेक कर लो नेगेटिव मार्किंग है या फिर प्लस है, वैसे मुझे नहीं लगता प्लस होगा क्योंकि बाकी सब बच्चों ने सी आंसर दिए, तो गगनदीप का नेगेटिव मार्किंग कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट से बताओ क्या आएगा। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से एक लाइक तो बनता है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और आफ्टर क्लास इसके लिंक को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स को, जल्दी से बताइए भाई। उषा सैनी कह रही है बोथ फॉलो कहां पे आ गया भाई इसमें। गगनदीप ने कहा ई, सुब्राशीष गांगुली ने कहा ई, इकोनॉमिक्स, आगे दो ही स्टूडेंट्स हमारे ऐसे जिन्होंने ई कहा है, अंकुश कह रहे हैं ई, वेरी गुड। टॉप 3 स्टूडेंट्स गगनदीप, सुब्राशीष, अंकुश,
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में कितने पर्सन है बताओ? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ ताकि पता लग जाए इस क्वेश्चन में प्लस 5 मार्क्स किसके हो चुके हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूं। फिफ्थ का आंसर कह रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे सी। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो ईमानदारी से, ये तो सबको पता है ईमानदारी रीजनिंग की क्लास में रखनी है, बाकी सब में आपकी मर्जी है, चीटिंग करना चाहो कर लेना बट रीजनिंग में मत करना। तो फटाफट से बताओ इन 5 क्वेश्चन में 5 out of 5 किसके आए हैं? जिसके 5 out of 5 आए हैं मी लिख दो, सिर्फ मी, मैं समझ जाऊंगी 5 out of 5 वाले। जिसका 1 रोंग होगा वो 1 रोंग 2 रोंग लिखते रहना। अंकुश प्लस 5, संपदा प्लस 5, संतोषी प्लस 5, सुब्राशीष गांगुली प्लस 5, वेरी गुड, सुमन 0, अमोल प्लस 5, अनंता प्लस 5, चलो भाई जिसका प्लस 5 है वेरी गुड। तो अब आप ये उम्मीद रखो एग्जाम में रीजनिंग सब अच्छे से करके आओगे, ये तो कंफर्म मुझे पता लग गया। ओके, अभी तो मुझे समझाना भी था, मैं भी भूल गई स्पीड के चक्कर में, अब मैं समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। 8 पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन में कहा कि 8 पर्सन है सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। ध्रुव सोनी, ये आप पहले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरिएबल के साथ आएगा या नहीं आएगा? अपनी तरफ से तो भाई अच्छा लेवल पढ़ के जाओ, अपनी तरफ से ही वीक पढ़ जाओगे तो कैसे होगा? आगे चलते हैं। अनुराग बच्चे, लेवल क्लास में हम अच्छा ही रखते हैं, देखो अच्छा करोगे अगर थोड़ा हाई लेवल, लो लेवल का एग्जाम तो अपने आप ही क्रैक कर दोगे। कोशिश किया करो हमेशा सभी क्लासेस में अच्छा लेवल पढ़ो, ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं, अब कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है? ईच वन ऑफ देम ग्रेजुएटेड फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कहा पी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, अभी क्वेश्चन को इस लाइन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। द इमीडिएट नेबर ऑफ आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिंदी, इससे भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारे पास आर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, अब मुझे ये दिख गया कि आर किसी एंड पर है, आर या तो इस एंड पे हो सकता है या फिर आर इस एंड पर हो सकता है। जो पी है वो आर के थर्ड लेफ्ट पर है, तो भाई अगर पी आर के थर्ड लेफ्ट पर है तो ऊपर पी आर का फेस नीचे करना पड़ेगा और यहां पे पी का फेस ऊपर नॉर्थ में करना होगा, तभी तो 1 2 3 पी हमारा थर्ड लेफ्ट पर आएगा, ऊपर 1 2 3 पी हमारा यहां पे आ जाएगा, इतना हमें पता लग चुका है। द इमीडिएट नेबर ऑफ आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिंदी, तो आर का नेबर जो है वो हिंदी से ग्रेजुएटेड है, ये लीजिए हिंदी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसने और यहां पे भी आ जाएगा हिंदी। जितनी इंफॉर्मेशन हमें पता लग रही है उतना करते रहेंगे। टी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ पी नोर एन, अब देखो टी के बारे में अभी कैसे कर सकते हो क्योंकि अभी तो हमें एन पता ही नहीं है, आगे आएंगे। टू पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी, अब एन और पी के बीच में दो पर्सन है, लीजिए भाई एन और पी के बीच में दो पर्सन है, यहां पे आ जाएगा हमारा। फिर था टी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ पी नोर एन, टी जो है वो ना तो पी का नेबर है ना ही वो एन का नेबर है, तो टी तो यहीं पे आएगा, यहां पे टी ना एन का नेबर है ना ही पी का नेबर है, कंफर्म है टी तो यहीं पे आएगा, इतना कंफर्म हो चुका। पी सिट्स टू द राइट ऑफ टी, जो पी है वो टी के राइट पर है, पी टी के राइट पर है तो टी का फेस ऊपर नॉर्थ में होगा और नीचे टी का फेस साउथ पर होगा। प्रीतम लेट आयो, वेरी गुड आफ्टरनून, 3:30 से हमारी क्लास चल रही है, 2 hours का मैराथन। द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम संस्कृत इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ टी नॉर पी, अब भाई संस्कृत ना तो टी का नेबर है
और ना ही वो पी का नेबर है, तो हमारे पास संस्कृत अभी कहां कहां आ सकता है? नाइदर पी नोर एन फ्रॉम संस्कृत, एन और पी संस्कृत से नहीं है। द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम संस्कृत डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, संस्कृत एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है। तो एक ही पोजीशन बची है संस्कृत के लिए, कंफर्म संस्कृत हमारा यहां पर आ जाएगा। हेलो ज्योति अरोड़ा, संस्कृत के बारे में कहा कि वो इमीडिएट मतलब एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, संस्कृत वाला एन भी नहीं है, पी भी नहीं है, पी का नेबर भी नहीं है और टी का नेबर भी नहीं है, तो यहां पे संस्कृत आ जाएगा। इतना कंप्लीट है हमारा अभी। डब्ल्यू फेसेस साउथ, तो डब्ल्यू के बारे में तो अभी हमारे पास कोई प्लेस है ही नहीं। डब्ल्यू इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ एन नोर टी, डब्ल्यू ना तो टी का नेबर है ना ही वो एन का नेबर है, तो डब्ल्यू यही आएगा, डब्ल्यू का फेस साउथ में। W ना तो N का नेबर है ना ही वो T का नेबर है, तो भाई W N का नेबर भी नहीं है और T का नेबर भी नहीं है, तो W तो यहीं पे आएगा, यही पोजीशन है हमारे पास, और तो कोई बची नहीं है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ N ग्रेजुएटेड फ्रॉम बायोलॉजी, अब N का इमीडिएट नेबर जो है वो बायोलॉजी से ग्रेजुएटेड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूं एक बार लीजिए भाई, तो एन के लिए बायो है साइट में, यहां पे बायो और यहां पे बायो, इतना सबका हो गया होगा। एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम उर्दू सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू के राइट पे एम, भाई अरे एम के लिए कहा उर्दू, क्या कोई प्लेस बचा है यहां पे? कोई प्लेस नहीं बचा, मींस नीचे वाला पॉसिबल केस हमारा गलत हो चुका है। लीजिए कंफर्म पता लग गया, ऊपर वाला केस हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमसे कहा W, ठीक है, अब हमसे पता लग गया कि W के राइट पे है M, M लाइक करता है, और लाइक नहीं, M ने ग्रेजुएशन की है उर्दू से, पास है, ये हो गया हमारा इतना, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड सिट्स टू द राइट ऑफ एस, वी डब्ल्यू का नेबर नहीं है तो वी तो यहीं पे आएगा, और ये एस के राइट पर है, तो बच्चे अगर ये एस के राइट पर है तो देखो एस का राइट वी है, तो एस का फेस तो ऊपर नॉर्थ में बनाना पड़ेगा हमें, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। एन एंड आर फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, तो आर का फेस साउथ में है तो एन का फेस भी साउथ में होगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, पी के इमीडिएट नेबर फेस सेम डायरेक्शन, इतना कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पी एंड एन फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अब हमारे पास पी और एन का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, लीजिए भाई ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पी डज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहा W इज टू द लेफ्ट ऑफ V, जो W है वो V के लेफ्ट पर है, तो V का फेस नॉर्थ में हो जाएगा। W इज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिस्ट्री, नाइदर आर नोर P ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिस्ट्री, देखो W R P तीनों हिस्ट्री में नहीं है, W R P, तो N हो जाएगा हमारा हिस्ट्री के लिए, लीजिए भाई हिस्ट्री कंफर्म हो गया हमारा, ये कंफर्म है हमारा। नेक्स्ट, द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, तो इको हो गया हमारा आर के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक दो लाइन बची है, उससे हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा पी डज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लिश, पी इंग्लिश से नहीं है तो इंग्लिश के लिए डब्ल्यू आ जाएगा। अब पी के लिए एक ही सब्जेक्ट बचा है, फटाफट से देख लो क्या बचा है, फिजिक्स, लीजिए स्टूडेंट्स, तो पी के लिए हमारे पास फिजिक्स हो चुका है, आई थिंक सबका सेम बना होगा, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए क्या सभी का सेम बना है।
फटाफट से चेक करके देख लीजिए, जिसका डिट्टो बना था एक बार यस मैम लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए। फटाफट से चेक करके बताओ, संपदा, अंकुश, संतोषी, सुब्राशीष गांगुली, गगनदीप और अनंता, सेम डिट्टो, वेरी गुड। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेंथी था बोल सकते हो, बट टफ था नहीं बोल सकते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके दो भाई, फटाफट से करके दीजिए, 4 मिनट का टाइम। जिसका हो जाए जल्दी से डन लिख देना कि यस मैम डन। जिसने अभी तक वीडियो के लिंक को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से लाइक कर दे भाई। डन गगनदीप, इतनी जल्दी डन, इजी क्वेश्चन था क्या? 8 पर्सन सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल, अनुराग का डन, संपदा का डन, संतोषी का भी डन, वेरी गुड। चलिए भाई, जिसका डन हो चुका है उसको तो वेरी गुड भाई, जिसका नहीं हुआ जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो कितनी देर चाहिए, 1 मिनट या 2 मिनट्स। वैसे 1 मिनट्स बहुत होंगे, अब तो कर दिया होगा, और ज्यादा टफ क्वेश्चन आई थिंक नहीं था ये, जितना मुझे लग रहा है। ऑलमोस्ट डन, वेरी गुड। चेतन परमार का भी डन, बहुत अच्छे। चलिए भाई डन हो चुका है तो वेरी गुड। चलते हैं पहले क्वेश्चंस के आंसर की तरफ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से बताइए 31 क्वेश्चन का आंसर। गगनदीप कह रहे हैं डी ऑप्शन, ओके। बाकी सब बच्चे रिप्लाई बहुत लेट दे रहे हैं, या तो उनका गलत बना है मुझे लग रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, या फिर बना ही नहीं है। काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं सभी ने डन बोल दिया तो हम भी डन बोल दें, तो भाई झूठ मूठ में डन मत लिखा करो, फटाफट से चेक करके बताओ क्या होगा। प्रीतम भी कह रहे हैं डी ऑप्शन, संपदा, अंकुश, संतोषी, डी ऑप्शन, वेरी गुड।
अनंता जल्दी से बताओ क्या आएगा। सुब्राशीष गांगुली, अर्चिता चेतन, ललित मिश्रा सभी कह रहे हैं डी। तो देख लेंगे, अभी चेक मैं करवा दूंगी, क्रॉस चेक। क्वेश्चन नंबर 22, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स क्रिएटर। बताइए आंसर। ज्योति अरोड़ा का नहीं बना, सुमन हंस रहे हैं। सुमन सच बोला है, काफी सारे बच्चे करते हैं ये। नहीं बना कश्यप का भी, कोई बात नहीं, जिसका नहीं बना, नहीं बना मिराज आलम, सी ऑप्शन कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स इसका। चलो भाई, जिसका नहीं बना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी तो आपके साथ हूं, बट एग्जाम में साथ नहीं जा पाऊंगी, उसके लिए सॉरी बच्चों। नेक्स्ट बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक पिजेरो। क्या आएगा इसका अंदर, इसका आंसर बताओ। कुणाल नहीं बना, कोई बात नहीं, जिसका नहीं बना कोई बात नहीं भाई, मैं करवा दूंगी, चिल करो। 23rd का स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी, ओके। फटाफट से बताओ 24 का आंसर, टाइम थोड़ा बढ़ा लो, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो भाई। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन अ ग्रुप, फाइंड दैट वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, ई आंसर कह रहे हो। ज्योति अरोड़ा, मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैम जो भी एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा तो हाई करवाएगी। क्यों हाई करवाएगी, क्योंकि अगर मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दूं अभी तो खुश हो जाओगे कि यस मैम आपका करवाया हुआ हमसे सब सोल्व हो रहा है, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन अगर वही लेवल एग्जाम में नहीं आया तो आप सब लोग मुझे ही उल्टा उल्टा बोलोगे, क्या मैडम क्या करवाया था, कुछ भी नहीं आया। इसलिए एग्जाम से लेवल में थोड़ा अच्छा ही करवाती हूँ ज्योति, ताकि जब एग्जाम देने जाओ तो इजी लेवल देखकर खुश हो जाओ और तब कहो कि थैंक यू मैम आपने जो लेवल करवाया था हमारा एग्जाम उससे लो लेवल आया और हम सारे क्वेश्चन करके आए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्योति, तभी मैंने समझा दिया, फर्स्ट टाइम आयो आपका वेलकम है, और आप डेली भी मेरी क्लास में आ सकते हो 3:30 PM एंड 6 PM पे, ठीक है ज्योति। बाकी मेरा व्हाट्सअप का नंबर तो मैंने दिया ही हुआ है सभी स्टूडेंट्स को, आप भी लिख लो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना ज्योति, ताकि व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगी, डेली क्लास के लिंक मिलते रहेंगे। रीजनिंग बाय हीना शर्मा टेलीग्राम में ऐड हो जाना ताकि PDF मिल जाए। गगनदीप कह रहे हैं डी आंसर 4। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी जल्दी से बताइए क्या आंसर डी ही आएगा। अंकुश, संतोषी सभी कह रहे हैं डी। विशाल थैंक यू। चलिए, जिस जिस का प्लस 5 मार्क्स हो चुका है अभी देख लेंगे सही किया है या गलत किया है, वो तो अब पता लगेगा। क्वेश्चन में कहा जेड इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इस क्वेश्चन को यहां से तो मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकती हूं। टू पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक स्कॉर्पियो, मैं यहां से भी स्टार्ट नहीं कर सकती हूं। सिटिंग और पजल में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, क्वेश्चन को स्टार्ट करे कहां से भाई, क्वेश्चन मार्क होता है हमारे पास माइंड में ये। तो हमारे पास कहा द वन Who like Scorpio sits second right of Q. तो सबसे पहले मैं एक बार Q का फेस इनसाइड कर लूंगी, एक बार Q का फेस आउटसाइड कर लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी Q कहां आएगा। The one who likes Scorpio sits second right of Q. Q के second right पर Scorpio. Q के second right पर Scorpio. अब हमारे पास था Z is not immediate neighbor of Q. Two persons sit between Z and the one who likes Scorpio. अब Scorpio और Z के बीच में दो person है और Z Q का neighbor नहीं है, तो भाई Scorpio और Z के बीच में दो person, Z यहां पे आएगा, Scorpio यहां है, तो दो person का gap Z यहां पे आ जाएगा, इतना ठीक है। ठीक है, P who likes Swift is neither immediate neighbor of Q nor Z. जो P है वो Q का neighbor भी नहीं है और वो Z का neighbor भी नहीं है, और P, जो P है वो like करते Swift. P Swift. इतना समझ आ गया होगा I think सबको। अब P neighbor नहीं था Q का और Z का, तो confirm है P यहां पे आ जाएगा,
स्विफ्ट, ये कंफर्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। W इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ Z नोर द वन हु लाइक स्कॉर्पियो। जो W है वो Z का नेबर भी नहीं है और वो स्कॉर्पियो वाले का नेबर भी नहीं है, तो W तो यहीं पे आ जाएगा। W Z का नेबर भी नहीं है, W स्कॉर्पियो का नेबर भी नहीं है, W यहां पे आ जाएगा, इतना कंफर्म हो चुका है हमारे पास। W नाइदर लाइक स्कॉर्पियो नोर पेजीरो। अब भाई इस लाइन को छोड़ना ही पड़ेगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नाइदर Z नोर W लाइक जीप, ठीक है, Z और W दोनों जीप लाइक नहीं करते। द वन हु लाइक जीप इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ Z नोर W। अब जो पर्सन जीप पसंद करता है वो ना तो Z का नेबर है ना ही वो W का नेबर है, तो जीप हमारे पास कंफर्म है, यहां पे आ जाएगा। अगर यहां बात करें जीप वाला ना ही Z का नेबर है ना ही W का नेबर है, तो नीचे वाले डायग्राम में क्या कहीं पे जीप आ सकता है, चेक करके बताओ। नजमुन निशा काफी दिनों के बाद आयो, नाम तो मुझे याद है आपका, तो स्टूडेंट जल्दी से चेक करो, नीचे वाला डायग्राम तो हमारा गलत हो गया क्योंकि जीप के लिए कोई पॉसिबल केस ही नहीं बच रहा भाई मेरे पास। तो ये हमारा गलत हो गया। चलो भाई चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास द वन हु लाइक्स बुलेरो फेसेस द वन हु लाइक्स पेजीरो। अब भाई हमारे पास दो ही केस बचे हैं, यहां और यहां। नाइदर क्यू नोर आर लाइक बुलेरो, तो क्यू बुलेरो पसंद नहीं करता तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और पेजीरो नीचे आ जाएगा, इतना कंफर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर नाइदर लाइक स्कॉर्पियो नोर जीप। आर ना तो स्कॉर्पियो लाइक करता है ना ही जीप करता है, और आर के बारे में बोला था बुलेरो भी लाइक नहीं करता, आर यहां पे आ जाएगा। फिर है द वन हु लाइक्स ब्रिजा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ब्रिजा आर का इमीडिएट नेबर नहीं है। काफी सारे बच्चों ने ये गलती की होगी कि मैम ब्रिजा अगर आर का नेबर नहीं है तो ब्रिजा कहां पे आएगा, बच्चे आर के लिए भी तो आ सकता है। लीजिए कंफर्म हो गया, ब्रिजा आर के लिए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी नाइदर लाइक बुलेरो नोर जीप। वी इन दोनों जगह पर नहीं आएगा तो वी तो यहां पर आ जाएगा, कंफर्म। नेक्स्ट, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक स्कॉर्पियो। टी जो है वो स्कॉर्पियो का नेबर नहीं है, टी सबसे ऊपर आ जाएगा। अब बचा हमारे पास एक ही पर्सन है रिमेनिंग, एस। एस जीप के लिए आ जाएगा, लास्ट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यू डज नॉट लाइक क्रिएटर। डब्ल्यू क्रिएटर पसंद नहीं करता तो जेड के लिए क्रिएटर आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन हो गया पूरा। एक ही गाड़ी का नाम बचा है विक्टा, वो हो जाएगा वी के लिए। अब बताओ किस किस का सेम बना था, जल्दी से चेक करके बताओ किस किस का सेम बना था। डिट्टो, वेरी गुड। तो बस यही था हमारे पास क्वेश्चन में। और बच्चे ये तो इजी क्वेश्चन दिया था अभी मैंने, अभी मैं इसे इजी मानती हूं। सेम, वेरी गुड। ओके अमोल, नेटवर्क इशू के कारण स्किप हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने एक क्वेश्चन बस लास्ट का स्किप किया है, अब चलते हैं। जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें बता देती हूँ, स्टूडेंट्स हमारी क्लास 3:30 से स्टार्ट हो चुकी थी और पूरा मॉक टेस्ट 6 करवाया मैंने स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। यू हैव ओनली 4 मिनट्स।
जिसका हो जाए फटाफट से डन लिख देना। वेरी गुड, काफी बच्चों का डन हो चुका है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स का डन हो चुका है, बहुत अच्छे। चलो भाई, अगर सबका डन हो गया, पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर पूछ लेती हूं। बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विजिटेड गोवा? ओके अनंता, अच्छी बात है, बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएंगे, मम्मी टेंशन मत लो। मैं आपसे अभी क्लास के बाद अनंता बात करती हूँ, ठीक है? क्लास के बाद कॉल करना मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताओ। ललित कह रहे हैं बी, बाकी सब कह रहे हैं सी, सुमन झा कह रहे हैं बी। अब भाई मेजोरिटी तो सी की तरफ है, लेकिन अब पता नहीं है बी आंसर किसका है, सी आंसर किसका है। अब मैं तो ऑप्शन वालों को ही सही मानूंगी, तो जिसने ऑप्शन नंबर सी लिखा है वो ज्यादा मेजोरिटी में है। सी गोवा, सी ऑप्शन या सी आंसर? अच्छा सी, बी गोवा। नेक्स्ट बताओ, अभी बाकी मैं क्रॉस चेक करवा ही दूंगी क्योंकि मैं सॉल्व करवाऊंगी ही क्वेश्चन को। ललित मिश्रा बी लिखा है आपने, ऑप्शन नंबर बी, हम उसे सही नहीं मानेंगे, पहले पता है आप सभी बच्चों को। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट ऑन अ टूर इमीडिएटली बिफोर बी, बी के बिल्कुल पहले कौन है? सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं डी आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 33 बताओ, हाउ मेनी पर्सन्स वेंट ऑन अ टूर बिटवीन सी एंड डी, सी ओ डी के बीच में कितने पर्सन है जो टूर पे जा रहे हैं, फटाफट से बताओ चेक करके। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा? 33 का सी कह रहे हैं सभी बच्चे। अगर बी आंसर था ललित, अभी चेक करवा दूंगी मैं, सॉल्व करवाऊंगी। तो 34 का बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, हरी अप स्टूडेंट्स फटाफट से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड प्लेस इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट? गगनदीप कह रहे हैं बी। गगनदीप अभी चेक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स आंसर दे दें, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने कहा बी आंसर, वेरी गुड। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वेंट ऑन अ टूर ऑन वेडनेसडे, बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। मिराज आलम, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कह रहे हो शायद। 35 का, 34 का डी, 34 का सुब्राशीष बी, सभी ने बी कहा था। ओके 35 का बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं डी। अब भाई ये तो कंफ्यूजन हो गई, सुब्राशीष कह रहे हैं 35 का डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। वेडनेसडे को कौन जा रहा है भाई? डी ए पता नहीं क्या लिखते हो, ऑप्शन लिखा करो डी, कंफ्यूज कर देते हो बच्चों। चलो अब मैं क्वेश्चन समझा देती हूं जिसका नहीं हुआ होगा। 7 पर्सन है टूर पर जा रहे हैं मंडे टू संडे, विजिट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है भाई। डी विजिटेड जयपुर आफ्टर फ्राइडे, तो या तो डी सैटरडे जयपुर यहां, या फिर डी संडे जयपुर यहां, दो ही केस बनेंगे हमारे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं,
थ्री पर्संस विजिट डिफरेंट प्लेसेस बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में तीन पर्सन है, ये दो केस बनेंगे. द वन हु विजिटेड दमन विजिट इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के बिल्कुल बाद दमन, यहां थर्सडे हो जाएगा, ये कंफर्म. एफ विजिटेड कश्मीर बिफोर थर्सडे, थर्सडे से पहले एफ कश्मीर, यहां पे एफ के लिए दो प्लेस बचेंगे. अभी हमें नहीं पता एफ कहां आएगा. थ्री पर्संस वेंट ऑन अ टूर बिटवीन एफ एंड द वन हु विजिटेड गोवा. अब एफ और गोवा के बीच में तीन पर्सन है. अगर है एफ मंडे को, वन टू थ्री, गोवा आ जाएगा फ्राइडे को, ठीक है. और अगर है एफ यहां तो वन टू थ्री गोवा आ जाएगा सैटरडे को. दो केस बन गए. आगे चलते हैं. अब हमारे पास एफ और गोवा के बीच में तीन है, वन टू थ्री गोवा आ जाएगा फ्राइडे को. इतना अभी तक चल गया. सुमन डेली क्लास होती है जो अभी 6 पीएम पे भी नेक्स्ट क्लास होगी. ई नाइदर विजिटेड दामन नोर गोवा. ई ना तो यहां दामन पे है, ई यहां ना ही गोवा पे है, तो या तो ई यहां या ई यहां. अब ई यहां पर नहीं है और ई गोवा पे भी नहीं है. अभी हमें ई पता ही नहीं है कहां पे आएगा, फिर तो यहां पे बहुत सारे केस बनेंगे. आगे चलते हैं. पहले आगे हमारे पास है, वन पर्सन वेंट ऑन अ टूर बिटवीन जी एंड द वन हु विजिटेड गोवा. अब जी और गोवा के बीच में एक पर्सन है और जी जो है वो दामन नहीं जाता, तो यहां पे हमारा जी नहीं आएगा. सबसे पहली बात बनती है कि जी कहां आएगा, क्योंकि जी और गोवा के बीच में एक पर्सन है, तो नीचे वाला गोवा कैंसिल करना पड़ेगा. कैसे कैंसिल करना पड़ेगा, जी और गोवा के बीच में एक पर्सन है, जी लिखा हुआ है, दामन पे नहीं आएगा, तो गोवा गलत हो गया. अगर हम गोवा को यहां से कैंसिल करें, जी को यहां लिखें, अब जी और गोवा के बीच में एक पर्सन आएगा, तो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी गलत ही लग गई. मुझे ये तो पता लग गया ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत है. अब जी और गोवा के बीच में एक पर्सन है, तो जी यहां पे नीचे आ जाएगा. एक ही कंफर्म केस है. इधर वाले को मैं रब कर देती हूं. ये कंफर्म पता लग गया, जी हमारा संडे को आएगा. आगे चलते हैं. जी गोवा, ई ऊपर हो गया हमारा कंफर्म. Neither C nor G visited Manali. C और G मनाली नहीं जा रहे हैं, तो E चला जाएगा मनाली, ठीक है. इतना कंफर्म. फिर है A does not visited Goa. A गोवा नहीं जाता, तो A यहां पे आ जाएगा. बचा हमारे पास एक ही पर्सन है, B कंफर्म है गोवा. लास्ट C does not like देहरादून, तो देहरादून जी के लिए आ जाएगा. अब एक ही हमारे पास बचा है घूमने के लिए प्लेस, मुंबई. तो हमारे पास सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, सी के लिए मुंबई. किस किस का सेम बना था चेक करके देख लो भाई. तो हो गया क्वेश्चन हमारा, बस ये क्वेश्चन था. फटाफट से चेक करो सेम बना था, वेरी गुड. तो गलती क्या की थी आप लोगों ने, वहां चलते हैं जिसमें कंफ्यूजन थी. वेडनेसडे को कौन जा रहा है, ये दिक्कत थी ना. वेडनेसडे को ए, ऑप्शन नंबर डी जिसका गलत हो गया था. गलती कर लेना भाई. तो ये हमारा आज की क्लास का पूरे 35 क्वेश्चंस थे. इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो कुछ भी. ये हमने किए आज की क्लास के 35 क्वेश्चंस. तो फटाफट से बताओ कि किस किस के 35 आउट ऑफ 35 आए हैं.
ललित के 34 आए हैं, नजमुन्निशा माइन इज राइट। ओके नजमुन्निशा आप लेट आयो, बाकी सभी बच्चे बताओ ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पूरे राइट। कश्यप पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, नाइट में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना। रीजनिंग बाय हीना शर्मा SEE NA। संपदा के 3 रोंग हैं, सुब्राशीष का 1 रोंग, अंकुश का 1, ललित के 2। तो 1 रोंग किस किस का है? सुब्राशीष और अंकुश का। तो अभी तक के विनर हमारे सुब्राशीष, अंकित, ललित मिश्रा के 2 रोंग है। ललित झूठ बोल रहे हो बच्चे। संतोषी ऑल करेक्ट, संतोषी बच्चे आपके ऑल करेक्ट आए हैं, एक बार यस लिख दो। अगर संतोषी के ऑल करेक्ट हैं तो सभी बच्चों एक बार चेक कर लेना, संतोषी ने आप लोगों के नोट किए हैं तो आप लोगों को भी चेक करना चाहिए संतोषी के कितने गलत हैं। परफेक्ट लर्नर लेट थे, कोई बात नहीं। अनंता ऑल करेक्ट, भाई ललित मिश्रा का 1 ही गलत हुआ था। प्रीतम पूरे क्वेश्चन करने हैं। ओके संतोषी और अनंता के सारे ठीक आए हैं। तो आज की क्लास के विनर, अगर भाई एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगी, आप भी कर लेना। अनंता के हाईएस्ट आए हैं 34 out of 35, और संतोषी ने सेकंड टाइम टॉप किया। भाई संतोषी लास्ट मॉक टेस्ट की भी विनर थी, लास्ट टू लास्ट कब था मॉक टेस्ट, कौन सा था संतोषी याद करना एक बार, एक मिनट याद करके बताओ संतोषी, और किस मॉक टेस्ट के विनर थे आप और अंकुश। अगर और कोई स्टूडेंट हो तो वो भी बता देना। यस अंकुश, प्रैक्टिस अच्छी हुई, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, स्पीड का कोई मतलब नहीं है मैम। सुब्राशीष गांगुली, अभी देखो सबको पता है कि मैं सबको 4 मिनट 5 मिनट दे रही हूं, स्पीड का मतलब होता है एग्जाम में, क्योंकि अभी हम टाइमर स्टार्ट हमने नहीं किया, अभी मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दे रही हूं, स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, कंफर्म है। चलो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अब जिसका अभी आपको लगे कि हमारा भी सही है, क्योंकि ललित मिश्रा और अंकुश भी कह रहे हैं हमारे, अंकुश और ललित मिश्रा क्रॉस चेक कर लूंगी मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, जिसके भी सही होंगे आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगी, बाकी आप लोग भी बता देना ठीक है। हाँ सुब्राशीष गांगुली आपके वैसे कितने गलत आए थे जल्दी से बताओ, क्योंकि सुब्राशीष गांगुली सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो आप, ये सच्चाई है, और आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो, थैंक यू सुब्राशीष। सुब्राशीष सभी बच्चों को मैं थैंक यू कहूंगी और सभी बच्चों को वेरी गुड कहूंगी, क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है हमेशा। अगर आप डेली क्लास ऐसे ही अटेंड करोगे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे, कन्फर्म है। चलिए भाई, अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। अगर चाहते हो रीजनिंग को इसी तरह से अच्छा बिल्कुल टॉप लेवल पे पढ़ना, बेसिक से एडवांस मेंस लेवल के बैच अटेंड करना, तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए HS लाइफ कैपिटल लेटर्स में अप्लाई कर देना, 10% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, और 6 PM की क्लास जरूर अटेंड करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस क्लास में। कोई टॉपिक नहीं करवाऊंगी, कोई मॉक टेस्ट नहीं करवाऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप का हम ऐसे कुछ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे जिसका एग्जाम कल है आज उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, हल्का हो जाए ठीक है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं 6 PM की क्लास पे, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, 6 PM पे रेडी रहना। व्हाट्सअप का नंबर जिसको नहीं पता है जल्दी से मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो विद नेम, ताकि आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूं और आप लोगों को डेली क्लास के लिए लिंक मिलते रहें ठीक है। इसी तरह से डेली क्लास में बने रहना, मेरा साथ देते रहना, लाइक शेयर करते रहना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, 6 PM पे रेडी रहना।